आखिरी महीने दे 11वें दिन इतिहास विच कई मशहूर लोकां दे जन्म दिन दर्ज ने। इना विच खिडारी, अदाकार ते अध्यात्मक गुरु शामिल ने। बॉलीवुड दे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार दा अज जन्म दिन है। भावे दिलीप कुमार इस दुनिया विच नहीं रहे, पर सिनेमा दे इस चमक दे सितारे ने पूरे बॉलीवुड नू रोशन कर दिता है। दिलीप कुमार दा असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान सी। उना दा जन्म 11 दिसंबर 1922 नू पेशावर पाकिस्तान विच होया सी। 1944 विच बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित फिल्म जवार पाटा दे नाल अपने फिल्मी करियर दी शुरुआत करन वाले दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी विच कई सुपरहिट फिल्मां दित्तियां ने। जिथों तक अदाकारी दा सवाल है, दिलीप कुमार नू अदाकारी दा सम्राट कहा जांदा है। फिल्मां विच निभाए अपने इमोशनल किरदारां करके उन्हां नूं बॉलीवुड दे ट्रेजेडी किंग दे नाम नाल भी पहचानिया जांदा है। एक्टिंग तो इलावा जेकर किसी होर चीज लई उन्हां दी तारीफ हुंदी है तो ओह ने दिलीप साहब दे डायलॉग। उन्हां ने कई फिल्मां विच अजिहे डायलॉग बोले ने जो कि अज भी बॉलीवुड दे गलियारियां विच सुने जांदे ने। 5 बार विश्व दे शतरंज चैंपियनशिप दे विजेता विश्वनाथन आनंद ने 2007 तो 2013 तक 6 साल तक शतरंज दी दुनिया ते अपना दबदबा बनाए रखिया। भारत दे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद दा जन्म 11 दिसंबर 1969 विच चेन्नई विच होया सी। बचपन विच ओह अपनी मां दी खेडां दी दिलचस्पी तो काफी ज्यादा प्रेरित होए ते 6 साल दी उम्र विच अपनी मां दे विरुद्ध उन्हां ने चैस खेडना शुरू कर दिता। विश्वनाथन आनंद ने शतरंज खिडारी वजो अपने करियर दी शुरुआत 14 साल दी उम्र विच कीती। 1984 वे 16 साल दी उम्र विच उन्हां ने नेशनल चैंपियनशिप जीत के सब नू हैरान कर दिता सी। ओ 18 साल दी उम्र विच ग्रैंड मास्टर बन गए। साल 2000 विच पहली बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत के उन्हां ने भारत तो पहली बार शतरंज विश्व चैंपियन बनन दा मान हासिल कीता। 2007 विच ओ एक बार फिर विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीत के पहले नंबर ते पहुंच गए ते इसे लड़ी विच उन्हां ने 2010 विच विश्व चैंपियनशिप दा खिताब अपने नाम कीता। विश्वनाथन आनंद 1987 विच भारत दे पहले ग्रैंड मास्टर बने। साल 1985 विच उन्हां नू खेडां दे खेत्र विच अपने शानदार योगदान लई अर्जुन अवार्ड दे नाल सम्मानित कीता गया। साल 1991 तो 1992 विच ओ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दे नाल सम्मानित होण वाले पहले खिडारी बने। साल 1987 विच विश्वनाथन आनंद नू पद्म श्री, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार ते सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दे नाल सम्मानित कीता गया सी। देश दे साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दा जन्म 11 दिसंबर 1935 नू होया सी। ओ पश्चिमी बंगाल दे वीरभूम जिले दे मीराती पिंड दे रहण वाले सन। ओ 15 जून 2012 नू देश दे राष्ट्रपति बने। बहुत ही प्रभावशाली सियासतदान प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी ते भारत सरकार दीयां समस्यावां नू हल करन विच अहम भूमिका निभाई। उन्हां नू कांग्रेस दे संकट निवारक वजो जाणिया जांदा है। उस समय दी तत्काली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रणब मुखर्जी नू राजनीति विच लियांदा सी। ए इंदिरा गांधी ही सन जिसने उन्हां नू राज्यसभा दा मेंबर बनाउण लई उन्हां दा मार्गदर्शन कीता सी। दस्या जांदा है कि साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी लंबे समय तक काम करदे सन। उन्हां दी धी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दस्या सी कि ओह रोजाना करीब 18 घंटे काम करदे सन ते मुश्किल दे नाल ही छुट्टी लैंदे सन। ओह उदों ही छुट्टी लैंदे सन जदों दुर्गा पूजा दे दौरान अपने गृह नगर मिरती जांदे सन। आचार्य रजनीश, जिन्हां नूं दुनिया ओशो दे नाम नाल जानदी है, उन्हां दा जन्म 11 दिसंबर 1931 नूं होया सी। हालांकि जन्म दे समय उन्हां दा नाम चंद्रमोहन जैन सी। 21 साल दी उम्र विच उसने मौलश्री दे रुख हेठ ज्ञान प्राप्त कीता। ओशो दे जीवन विच कई उपलब्धियां ते प्रसिद्धी सी, पर उन्हां दी जिंदगी विवादां दे नाल भी भरी होई सी। 70-80 दे दहाके विच उसने विश्वव्यापी प्रसिद्धि हासिल कीती ते अपने शिखर ते सन। ओशो प्रति लोकां दा विश्वास इन्ना ज्यादा वध चुका सी कि लोग उसनूं ओशो या रजनीश नहीं सगों भगवान श्री रजनीश कह के संबोधन करन लगे। हालांकि बाद विच उन्हां ने अपना नाम बदल के ओशो रख लिया। ओशो एक अजिहा नाम है जिसने देश विच भी एक पहचान हासिल कीती ते खूब दौलत भी कमाई। एक समा अजिहा भी आया जदों दुनिया भर विच उन्हां दी पूजा होण लगी सी ते आम लोकां तों लै के वड्डियां हस्तियां तक हर कोई उन्हां दा श्रद्धालु बन चुका सी।